नेक्स्ट टॉपिक है क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन भी। देखिए व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन क्लास, जो किसी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगी प्लेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। एक प्लेन ये है अभी, कुछ एंगल पे होगी एडी एंगल थीटा, भी यहाँ पे बॉडी है अभी, इसको मैंने उठाना शुरू किया बॉडी चलेगी नीचे आएगी, यस और नो, यस और नो, बॉडी क्या करेगी नीचे आएगी विद एक्सेलरेशन ए, तो वही निकालना है ए का वैल्यू कितना होगा, कर लोगे। अब इस बॉडी का मास एम मान लेते हैं, तो वेट कहाँ पे होगा नीचे होगा एम जी, रिएक्शन कहाँ पे होगा ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, इट इज आर, सरफेस के मतलब क्या होता हो नॉर्मल होता है, कर लोगे। इस आर को लाइन को पीछे मिला देते हैं, ये एंगल कितना होगा क्लास, इट इज थीटा, ये वाला एम जी कॉस थीटा, ये वाला एम जी साइन थीटा, यस आर नो। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, यस आर नो, नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, ये तो निकालना हमको, सही बनाया डायग्राम, बनाओ जल्दी से फिर। क्या करोगे पेंसिल से स्केल यूज करके, अगले साल पढ़नी है कॉपी है, अगले साल पढ़नी है, भाई अच्छे से बाइंड कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, अगले साल काम आओगे भाई। कोई भी डायग्राम पेंसिल से मत बनाइएगा ना, स्केल यूज कीजिए इसके लिए। मैंने यूज किया स्केल, मेरा ढंग से बनाओ, और तुम भी बनाओ बाई यूजिंग प्रैक्टिस भी। हो गया, लिखिए अभी, लेट एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। अब ये सारा काम हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, अभी बॉडी नीचे आ रही है, मास लग है, एम जी है, वेट है, सब कुछ अभी क्लास, कुछ नहीं लिखवाएंगे क्या हो रहा है डायग्राम में, वही है सारी चीज़ें, कर लोगे। बॉडी नीचे आ रही है क्लास, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा, यस आर नो, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बॉडी नीचे आ रही है भाई, एम जी साइन थीटा की एफ बड़ा, व्हाट इज एफ, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, यस आर नो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बॉडी नीचे आ रही है, एम जी साइन थीटा बड़ा की एफ बड़ा, एम जी साइन थीटा बड़ा, क्योंकि दो लग रहे नीचे की तरफ, तो कितना बड़ा भाई, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू फोर्स माइनस फोर्स, को आंसर फोर्स ही आएगा, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बहुत बड़ा टॉपिक किए हम लोगों ने इस तरह के, कर लोगे। व्हाट इज फ्रिक्शन भी क्लास, फ्रिक्शन क्या होता है आपको याद होना चाहिए, इट इज म्यू आर, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू आर, यस आर नो, म्यू क्या है जो इस सरफेस का है, ये मैंने लिखवा रखा है, मैंने रफ इनक्लाइंड सरफेस, ये रफ अभी जरूरत नहीं है यूज करने की टेंजेंट वगैरह, म्यू को म्यू रहने दो। आर क्या अभी, आर तो निकाल चुके हम लोग, एम जी कॉस थीटा, पुटिंग द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वी, म्यू एम जी कॉस थीटा भी, सही है, यस आर नो। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन भी, एफ है ना यहाँ पर, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू आर, आर क्या है हमने निकाल लिया पहले से, एम जी कॉस थीटा, पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन क्लास, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, यस और नो। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एम जी कॉमन है भाई, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यस और नो, इज इक्वल टू एम ए, एम से एम काट दूँ, यस सर ना, व्हाट इज द वैल्यू अभी, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा
इंटू जी, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वेट, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कर लोगे ऑन द रफ इंक्लाइंड सरफेसेस, यस और नो क्लास। अब क्वेश्चन ये है, ए बड़ा कि जी बड़ा, दे दो पानी, ए बड़ा कि जी बड़ा भाई। ये देखिए, जब कॉस जीरो होता है अभी तो साइन मैक्सिम होता है, जब साइन जीरो होता है तो कॉस मैक्सिम होता है। मान लीजिए कि साइन जीरो है, साइन जीरो होते जीरो हो जाएगा, यस और नो, लेकिन ये वन हो जाएगा, वन इंटू समथिंग टू वैल्यू आएगा, लेकिन माइनस का है, जी का वैल्यू किसका आएगा, माइनस का है, माइनस मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो। अब मान लीजिए साइन पर किसका है, प्लस का है, प्लस का सॉरी वन है, ये जीरो जाएगा तो जी का वैल्यू ए के बराबर हो सकता है, यस और नो। क्या बड़ा हो सकता है ए जी से, नहीं हो सकता, कर लोगे। देख लीजिए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन जी वी, ये तो बहुत बड़ी कंडीशन है, मैं बोल रहा हूँ, मैं होती नहीं है, हर सरफेस पे हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमने केस में माना था, लिफ्ट वाले केस में, कि मान लेते हैं कि ए जी से बड़ा हो जाए तो उल्टे हो गया सारा केस, बॉडी उठ के कहाँ लग गई थी, फ्लोर पर लग गई थी जाके, पे एक सेंस उल्टी हो गई थी, यस और नो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्लास, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए इंक्लाइंड प्लेन, देखिए कैसे करना है। हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन होगी, दिस इज ए इंक्लाइंड प्लेन विच मेक एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल वेव, ओके। इस पे एक बॉडी है, यहाँ पे नहीं है अभी, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है अभी, ओके तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है मेरे को। तो मान लेते यहाँ पे इनिशियली, इसको यहाँ तक लेके जाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे मान लेते, कर लोगे यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्प्लेसमेंट है, एस। तो आपको वर्क करना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। वेट कहाँ पे होगा बॉडी का, मास एम है, वेट कहाँ होगा, नीचे भी, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। रिएक्शंस कहाँ पे होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, ये एंगल कितना होगा, इट इज थीटा। अगर आप एम जी को रिजोल्व करते हो, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, यस और नो, यहाँ पे एम जी साइन थीटा, सही है कि नहीं है। इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स पी, यस और नो, तो एक फ्रिक्शन भी आएगा भाई, इट इज एफ, सही है कि नहीं है, डायग्राम बनाना सीख गए, एनी प्रॉब्लम भाई, लिख लीजिए, लेट एम क्या है भाई, मास ऑफ द बॉडी, और पी क्या है, अप्लाइड फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सही है, एफ क्या है, फ्रिक्शन, बाकी वो चीज़ें सारी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी। आर किसके बराबर हो सकता है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, सही है कि नहीं है, और इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो सकता है, बड़ा होगा, वर्क हाँ जा रही है का वर्क नहीं निकालते, जा चुकी है का वर्क निकालते हैं, तो इस टाइम तो रुकी हुई है और यहाँ पर भी रुकी हुई है, बराबर होगा, चलती हुई का निकालते हम लोग, तो एक्सेलरेशन निकाला जाता है, वर्क नहीं निकालते हम लोग उसका, चल रही है वर्क नहीं निकालते, चल चुकी है वर्क निकालते हैं, यस और नो, रुकी हुई है, रुकी हुई है, चला चुके हैं वहाँ तक, अब दिखाओ कितना वर्क हुआ, हमने तो टॉपिक कर लिया पहले कि चल रही है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, पे निकाल लो, तो उसमें से पी बड़ा था उस टर्म में निकालने को, यस और नो, अब तो बराबर होगा भाई, किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के भी, इस तरफ दो फोर्स हैं भाई, एम जी साइन थीटा और एफ, और एफ क्या होता है अभी, फ्रिक्शन होता है म्यू आर भी, बाई डेफिनेशन भी एफ क्या होता है, म्यू आर, व्हाट इज आर, हम निकाल चुके हैं,
कहाँ गया, एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा, सबसे आसान यूनिट है भैया, तो लॉजिक इसी में अभी सोचना पड़ता अभी क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, पुटिंग द वैल्यूज भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी भी, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, सही लिखा है, कॉमन क्या रहा है, ये रब कर दूं भाई, इक्वल टू एम जी कॉमन है, यहाँ पे आया साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, यही होगा, तो व्हाट इज द वर्क डन भाई, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पी इज अप्लाइड फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, तो पुटिंग द वैल्यूज भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, पी कितना अभी, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इंटू एस, देखो सारे आंसर बदल गए हमारे भी, वर्क डन के भी, एक्सेलरेशन का, वर्क डन का, सब कुछ बदल रहा है, किसके टर्म में आ रहे हैं सारे आंसर्स, म्यू के टर्म में आ रहे हैं, ओके दिस इज द वर्क डन विद क्लास, कर पाओगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन which can just pull a train of mass, train of mass, ये कर देते हैं उसके पास 5000 quintals up a incline of 1 in 50 at the rate of 1 in 50 at the rate of 54 किलोमीटर पर हावर, 54 किलोमीटर पर हावर, ओके, द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन इज, द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 0.8 न्यूटन्स पर क्विंटल, 0.8 न्यूटन्स पर क्विंटल, जी गिवन आपको, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या निकालना है, पावर निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ, कुछ नहीं करना, रब कर दे, ये तो हो गया इतना, गिवन क्या क्या भाई, ये क्या है, मास है, क्विंटल में नहीं चाहिए, क्विंटल कितना होता है क्लास, मेरे को पता नहीं है, कितना 100 को बोलते हैं, 100 किलो को क्विंटल बोलते हैं, तो पावर कितना हो गया, 2 पावर उसकी होगी, क्या जी, तो लिख सकता हूँ 5×10^5 के जी, सही लिखा है, 54 किलोमीटर पर हावर, ये स्पीड है क्या, एक्सेलरेशन दे रखा है, ये स्पीड दे रखी है, एक मिनट भाई, एट द रेट ऑफ, ये एक्सेलरेशन अभी क्लास, इट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एक आवर में कितना 54 किलोमीटर, ये एक्सेलरेशन है भाई, रेट ऑफ मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम भी है नीचे इसके, ये एक्स स्क्वायर है ये, कर लोगे, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन क्लास, 54 किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए भाई, मीटर पर सेकेंड में चाहिए भाई, एक मिनट, सही है, चलो ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए भी, कितना निकालोगे, इसको भी इंटरम ऑफ वेलोसिटी रहने दो, क्योंकि बाद में टाइम लिखेंगे तो अपने आप क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, अभी कर लोगे, इसको वी रहने देते हैं, वी किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए भी,
किसमें चाहिए? मीटर पर सेकेंड्स में भी। तो v इज इक्वल टू 54 पाँच बटे 18 कर दो मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया भाई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फ्रिक्शन दे रखा भाई, फ्रिक्शन कितना है 0.8 न्यूटन से भी पर क्विंटल भी, और कितना क्विंटल यूज कर रहे हैं कितना 5000 क्विंटल्स भी, तो टोटल फ्रिक्शन कितना हो गया, एक क्विंटल कितना दे रहा है 0.8 दे रहा है भाई, और 5000 कितना देगा गुणा में कर दें तो कितना होगा 0.8 इंटू 5000 भी, कितना आंसर हुआ भाई इसका है 4000 भी, सही है। यस और नो? सब कुछ आ गया अभी। अब ये क्या चीज़ है 1 into 50, पहली बार आया है बट अभी। यस और नो? ये एक्चुअल में क्या पता आपको, ये साइन थीटा दे रखा है आपको, साइन थीटा, जब भी आप बोले ना 1 into 50 किसका एंगल है साइन का भी 1/50, ये है 1/50, 1/50 साइन 1/50, वट इज परपेंडिकुलर 1, वट इज हाइपोटेमस 50। समझ में आया कि नहीं आया, ये नया आपके लिए थोड़ा सा, 1/50 मतलब क्या है साइन थीटा भाई, कितना है साइन थीटा, साइन थीटा की होना भी क्लास कितना है 1/50, यूज होंगे साइन थीटा, यूज करेंगे नहीं करेंगे फार्मूले में, साइन भी होगा कोस भी होगा, कोस निकाल सकते होगा इससे फिर कितना कैसे निकालोगे, कोस होता है बेस बाई हाइपोटेमस भी, बेस दे रखा है क्या, बेस निकाल लीजिएगा, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेमस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दें ऐसा कुछ बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी, कुछ निकल जाएगा कोस भी निकल जाएगा, ठीक है। मेन काम भाई हमें पावर निकालना है, पावर निकालने का तरीका क्या है W/T चाहिए मेरे को भी, और W के लिए वर्क का फार्मूला निकाल लिया हम लोगों ने पहले, यस और नो? तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क भी, सारा रब कर दूं भी अभी, लिख दिया आप लोगों ने सारी चीज़ें, आपसे पूछ लूँगा मैं क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं, सबको ऐसा ही में लिखना है, कर लोगे? ले सकता हूँ? अरे फ्रिक्शन दे रहा है, क्या जरूरत क्या इसको बदलने की म्यू में, डायरेक्ट मैं वैल्यू दे रखी है आपकी आपको, ये सर नो, जरूरत क्या म्यू MG कोस का लिखूँ इसको जाके मैं, कर लोगे? इनटू क्या है डिस्प्लेसमेंट भी है भाई, अरे वो तो लिखो इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब इन्होंने एक फैक्टर एक्स्ट्रा दे रखा है वेलोसिटी भी, वो कहाँ से लेके आए, उसका यूज क्या है वेलोसिटी का, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, कहाँ दे रखी है, कहाँ दे रखी है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो कहाँ है। अब ये बोलोगे कि 50 तो डिस्प्लेसमेंट है, 50 क्या है, ये मीटर है किलोमीटर है, मतलब पता था ये देखते हमको, ये समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन्हें बोल दो ना क्या 1/50 है भाई, आप बोल दोगे हाइपोटेमस ही क्या है डिस्प्लेसमेंट है, आपको ऐसे जाना है ट्रेन को लेके, कैसे करना हो, या भी बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट है 50 भाई, 50 क्या मीटर है किलोमीटर है सेंटर कुछ तो दे रखा होगा इन्होंने, क्या पता मेरे को क्या ये, तो ये तो दे नहीं रहा किसी सी बात ये, ठीक है तो उसको ऐसे रहने देते हैं उसको भी, कर लोगे? अब देखिए अभी हमें पावर निकालनी है, डिवाइड बाई टी कर दूँ तो हमें टी आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो वेलोसिटी होती है, ये तो दे रखी है। पावर एक्चुअल में क्या होता पता आपको, पावर पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी भी, पावर क्या होती है याद है पावर भी W/T, W क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टी, तो क्या होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी को भी क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, इस टर्म में दे रखा है आपको टॉपिक सारा, कर लोगे? तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, तो वेलोसिटी आपको गिवन है FP इज इक्वल टू, कुछ नहीं निकालना पड़ा कोस भी जरूरत निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है कोस की, M कितना भाई अब बताओ मेरे को जल्दी से, M कितना है 10 की पावर 5, जी कितना था 9.8 साइन थीटा 1/50 प्लस फ्रिक्शन कितना भाई 40,000, अरे ये कितना 20 वेलोसिटी
15 यस और नो? तो पावर का सोल्व कर पाओगे, सोल्व करने के बाद भी 1530 भी वाट 1530 वाट सोल्व कर लोगे। अब ये पता नहीं कैसे सोल्व होगा ना, अभी पता कर पाओगे शक मेरे को ना भाई, हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से भी, देखो तो हम कर रहे हैं उसको मीनिंग तो पता चले आपको, हम कर क्या रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहा है। कर लोगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा जल्दी से, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो भी, ए बॉल इज रोल ऑन द आइस विद वेलोसिटी, ए बॉल इज रोल ऑन द आइस विद वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकेंड, 5.6 मीटर पर सेकेंड एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 8 मीटर, कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 8 मीटर, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जी इज गिवन भाई, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड भी, और कितना चली है डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर के बाद ये रुक गई भी, यही दे रखा है क्वेश्चन में गिवन क्या क्लास, एक बॉल चल रही है भाई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और कुछ देर रुक गई, फाइनल क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, कितना चल के रुक गई 8 मीटर चल के रुक गई, तो जी का वैल्यू है फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना आपको, फ्रिक्शन निकालना म्यू निकालना, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए मेरे को म्यू निकालने के लिए, फोर्स फ्रिक्शन चाहिए म्यू निकालने के लिए, और आर चाहिए, एम दे रखे, और कैसे निकालो बता दो, मेरे को पता नहीं है भाई कैसे निकाल रखा है उन्होंने, अब सारे बुक कॉपी देख रहे हैं पीछे से, क्या वो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या था भाई, बता दो। पहली बार एक्सेलरेशन कहाँ था, क्योंकि फ्रिक्शन में भी एक्सेलरेशन कहाँ था, चेक करो टॉपिक को, एक्सेलरेशन इन फ्रिक्शन भी कहाँ था, मेरा खुद पता नहीं है, कहाँ पे आया था, ए इज इक्वल टू कहाँ पे आया था, जी इंटू साइन थीटा प्लस माइनस म्यू कॉस थीटा, यही था, बता दो यस सर, कैसे निकलो बताओ, क्योंकि ना तो आपको मास दे रखा है भाई, मास दे रखा है, हम बोल देते हैं कि मास एम ए करके एम जी करके आर निकाल लेते हैं, फिर म्यू से गुणा करते हैं, हैं थीटा भी नहीं है, ये बात भी सही है, ये सर ना बता दो, अरे बता दो थीटा है भाई कहाँ है, ये ढूंढना पड़ेगा, बॉडी ऐसे जा रही है अभी, डिस्प्लेसमेंट एस और फ्रिक्शन उसको रोक रहा है अभी, कितना है 180 डिग्री, साइन 180 कितना होता है 0 और कोस 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जी कोस जी म्यू, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, -1 हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू ए बाई जी, कितना सिंपल हो गया,
प्रॉब्लम की अभी भी नहीं निकली है, ये तो हमें नहीं रखा जी, तो पता है ए कैसे निकालोगे अभी, सब कुछ दे रखा अभी। यस बी कॉल्स बताओ, ए के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं भी, इक्वेशन ऑफ मोशन खड़े होकर बता दे और भाई कितनी इक्वेशन है, चार है कि पांच है, तीन है, तो कौन सी लगाएं, सेकंड कौन सी है, ऐसे टाइम दे रखा है तो कैसे लगाओगे हैं, थर्ड कौन सी होती है, टू ए एस भी लगा सकता हूँ, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस, वी कितना भाई, जीरो का स्क्वेयर जीरो, माइनस यू कितना 5.6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू, ए कितना पता नहीं है, कितना डिस्प्लेसमेंट भाई 8, क्या ये निकाल सकते हैं यहाँ से, क्लास माइनस 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, भी माइनस आएगा कि नहीं आएगा, अरे माइनस हो रहा, माइनस से क्या शो करता है, एक्सप्रेशन उल्टा भैया, बॉडी आगे जा रही है कुछ को धक्का पीछे मार रहा है, एक्सप्रेशन क्या होगा, फोर्स के हिसाब से होगा पीछे भी, म्यू इज इक्वल टू ए कितना भाई माइनस 1.96 डिवाइड बाई 9.8 वी, सोल्व करने के बाद 0.2 माइनस, सिर्फ दिखाने के लिए अभी क्लास, जरूरत नहीं लिखाने की, बताने के लिए है कि अपोज कर रहा है अभी मोशन को, म्यू हमेशा पॉजिटिव होता है अभी, कर लोगे कितना वैल्यू है 0.2, तो सरफेस को कितना प्रोवाइड कर रहा है 0.2 प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस भी।